हेलो दोस्तों, कैसे हो? कैम सब कैसा है? तो जय श्री कृष्णा, मैं तो एकदम मौज में हूँ। आई होप आप सब एकदम मौज में होंगे। तो फाइनली अभी 7:30 बज रहे हैं और सुबह का जो काम है फाइनली वो पूरा हो चुका है। डिंगी ने और कालू ने दूध भी पी लिया है। दो दिन आपने मैसेज बहुत सारे किए मेरे को इंस्टा पे कि जगदीश भाई आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो दो दिन के लिए तुम्हारे भाई को थोड़ा सा ताव आ गया था, बोले तो बुखार आ गया था। बुखार की वजह से मैं दो दिन के लिए थोड़ा सा मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम आ गया था। वॉइस का भी अभी भी थोड़ा भी वॉइस अटक रहा है, थोड़ी सी सर्दी भी हो गई थी, तो इसकी वजह से मैंने बोला अभी दो एक दिन के लिए थोड़ा सा ब्रेक ही ले लेते हैं। तो फाइनली आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो मैंने बोला ठीक है चलो फिर आज ब्लॉग बना देंगे। तो जो काम है फाइनली वो पूरा हो चुका है। आज कोई ट्रैक्टर भरने को आज भी नहीं गए, वैसे तो कल गए थे, लेकिन आज ही हमने थोड़ा सा आराम करने का सोचा कि चलो आज आराम करेंगे। और आज का जो मौसम भी है एकदम बहुत ख़राब हो चुका है, शायद ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। हाँ, बारिश आने वाली है ऐसा मौसम लग रहा है, क्योंकि दो दिन से हो सकता है, देखिए पूरा देख सकते हैं हम, दो दिन से ऐसा लग रहा है कि नहीं बारिश आएंगी, लेकिन बारिश नहीं चाहिए यार, क्योंकि अभी बारिश आ गई तो जो किसान भाई है उनका भी बहुत सारा फसलों का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बिन मौसम का अगर बारिश आता है तो नुकसान ही होगा, ऐसा ही होगा ना। तो इसकी वजह से अभी बहुत सारा दिक्कत आने वाला है, क्योंकि ये जो बारिश की जो ठंडी होती है ना, वो जो ये गाय के लिए भी बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि अभी एक तो थोड़ा सा खाने का भी प्रॉब्लम है और ऊपर से ये ऐसी बहुत ठंडी हवाएं चल रही है, तो इसकी वजह से गाय को ज़्यादा तकलीफ होती है। आप देख सकते हैं इसका अभी कलर, देखिए ऊपर से काला हो गया, देखिए पानी नहीं गिर रहा, लेकिन हवाई है ना, हवा जो है वो एकदम ठंडी वाली चल रही है, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। ठंडी अच्छी, लेकिन ये जो बारिश वाला मौसम में जो हवाई चलती है वो बहुत उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है गायों को। और एक तो हमारे यहाँ पे जो है कि ऐसा शेड भी नहीं है कि पूरे के पूरे जो गाय है उसके अंदर रह सके। आप बहुत सारे हमको बोलते रहते कि जगदीश भाई आपने इतने सारे जो ठंडी में गाय बाहर क्यों रखते हो, तो भाई इतने सारे गाय को किधर रखेंगे। और प्रॉब्लम ऐसा है कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था मैं आपको कि यहाँ पे जगह मेरी नहीं है, तो जगह अपनी नहीं है, तो इसकी वजह से कुछ हम कर भी नहीं पाते, लेकिन बहुत जल्दी हम कुछ नया करने वाले हैं और वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। और आप इधर देख सकते हैं ब्रीडिंग का काम चालू है, और इस सुबह सुबह हमने जो गड्ढा को छोड़ दिया है, क्योंकि अभी कभी कभी गड्ढा भी चलता है, और वैसे तो आज उसके गले को एक हमने रस्सी लगाई थी और रस्सी तोड़ के आ गया, वैसे ताकत बहुत है उसमें, लेकिन अभी वो भी बेचारा बूढ़ा हो गया, लेकिन फिर रस्सी तोड़ के आ गया था ना। हाँ, तो रस्सी तोड़ के आ गया था। हाँ, रस्सी तोड़ के आ गया था, क्योंकि हमने उसको बांध के रखा था और गोटे को छोड़ा था, गोटे आपको सामने दिख रहा होगा, देखिए तो हाँ तना ना तू बाजू को हट, तो सामने गोटे दिख। अरे यार तू गोटिया नहीं, तो गोटिया आप तो गोटिया इसको बता रहा हूँ मैं, इसको हमने छोड़ा था, लेकिन गड्ढा को हमने यहाँ पे सामने बांधा हुआ था, तो गड्ढा है ना, उसने यहाँ से देख सकते हैं आप, हाँ रस्सी यहाँ से इसने तोड़ दी और गड्ढा। तो फाइनली जो है इसका ब्रीडिंग का काम हो और हाँ, और कल इसका क्या था सुरेश भाई? ठंडी भी बहुत है, तो ऐसा कभी कभी जीप और पूछते हैं कि गर्मी में लाने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए भाई इतनी ठंडी में भी हमारे गए तो गर्मी में आते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसा नहीं रहता, टाइम पे खाना डालो तुम तो जल्दी आती है। टाइम पे खाना, अरे टाइम पे खाना होता तो सही में जल्दी आ जाती, और बहुत खाना है, खाना हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन अभी क्या है कि मौसम खराब हो गया है, तो इसकी वजह से जो ठंडी हवाएं चल रही है, तो इसकी वजह से देखिए
जो यंग होते हैं, जो कि जवान गाय होते हैं, उनको ज्यादातर दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये देखो सामने वाली जो गाय है वो बूढ़ी हो चुकी है, बूढ़ी माँ हो चुकी है। तो देख सकते हो उसका जो कलर है पूरा काला हो चुका है, क्योंकि ये ठंडी हवा की वजह से। ठंडी चलेगी लेकिन ठंडी जो हवा चलती है ना वो ज्यादा नुकसान करती है, इसकी वजह से। देखिए आप, अब देख सकते हैं पूरी, और ये भी देखिए। और ये हमारी जो कुटी है अभी फाइनली जो है उसका 2 दिन तो अभी जो फाइनली है उसके 2 दिन निकल चुके हैं। और अभी फाइनली कितने दिन बचे हैं सुरेश भाई? 8 दिन। हाँ, तो फाइनली जो है कुट्टी के 8 दिन बचे हैं। 8 दिन में बच्चा देने वाली आवेदी है, मैंने होंगे तो उसके 10 दिन में देंगे, लेकिन 12 दिन भी ले सकती है ना। हाँ, 10 दिन बोले ना। हाँ, 10 दिन बोले। तो फाइनली जो है इसमें मेरी और सुरेश भाई की बैट लग चुकी है और शर्त लग चुकी है, क्योंकि बैट ज़्यादातर भाई को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, मुझे अभी भी पता चला है। तो डखा ऐसा है कि अगर इसने बछड़ा दिया तो सुरेश भाई 1 दिन कुछ काम करने वाले नहीं, जो मुझे काम करना है। अगर इसने बछड़ी दी तो 1 दिन अपन पूरे दिन छुट्टी पे पूरे दिन घूमने को जाएंगे, अपन उस दिन काम नहीं करेंगे। मैं भी जाऊंगा घूमने को, तूने भी बोला है क्या दोस्तों? तो बोलो इसको, मैं भी जाऊंगा। कहाँ जाएगा तू? इधर भी जाऊंगा मैं। ठीक है, अगर इसको बछड़ा आ गया ना तो फाइनली मैं तेरे को बोलता तेरा पूरा दिन का तेरा हिस्सा का जो भी काम है वो मैं करूंगा। अरे हाँ, पूरे दोस्तों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पूरे जो दोस्त है सब देख रहे हैं ये व्लॉग। तो फाइनली जो है अपन तेरे को घूमने के लिए उस दिन जाने के, उस दिन तेरे को छुट्टी, जा सकता है तू, चल। हाँ ठीक है, तो इसको होगा फाइनली बछड़ा नहीं होगा, बछड़ी होगी फाइनली। क्योंकि उस दिन पिछले व्लॉग में भी बहुत सारे भाइयों ने मेरे को यही कमेंट किया, जगदीश भाई उस जो कुट्टी गाय है उसको बछड़ी होगी, तो फाइनली इसको बछड़ी होगी। हाँ नहीं, बछड़ा सूरज भाई ने बोल दिया तो बछड़ा होता है इसको। चलो अभी अरे चल यार, तू भी क्या याद रखेंगे, चल तो फिर यार बोला हम ये। तो इधर ये सुरेश भाई हम कर ले यार, ये गाट छोड़ रहा हूँ, गाट छोड़ रहा हूँ फटाफट दी थी। और इधर जो है फाइनली हरी भाई जो है कुछ काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लगे रहो। और इधर हमारे मालू भाई है, लेकिन लिली की मम्मी इधर खड़ी है, लेकिन लिली इधर दिख नहीं रही है। लिली कहाँ गई? लिली कहाँ गई? यही लिली है। लिली कर दो, लिली अरे लिली कर दो वाले। ये भी लिली है, कर दो लिली। तो लिली नहीं है इधर। हाँ तो इसका नाम गोटे है। गोटे छोड़ो घड़े, तो गोटे है, गोटे को छोड़ना है घड़ी भर के लिए। गोटे ये वाला जो अभी जो ये बुल है ये भी चालू अभी ज्यादा दिन नहीं लेगा, लगभग 20-25 दिन या 1 महीने में चालू हो जाएगा, क्योंकि वो खाना सही तरह से खाता नहीं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा दुबला हो गया है। अरे बटिया, कौन दिक्कत ना है उसे, कोई दिक्कत नहीं उसे भेज देंगे। बोलो गड्डो 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 मारा है गड्डा गड्डा, ये गलत बात है, तू भाग जा तेरे खिले व्याल। गड्डो नहीं तकड़ में गड्डा ना गड्डो भाई जा पासो इन अंत एक के काम कर गड़ बंद ध्यान इजा तो शव एले भाई मैं मोबाइल पकड़ता तू बांध दे। नहीं उसको ये ना, ये काम कर उसको, इसको वो साइड को लेके जा दूं। फाइनली जो है आज लिली आर्यन के साथ मस्ती कर रही है। लिली क्या कर रही तू? आज तेरे को गिराने वाला है लिली, तेरे को गिराएंगे आर्यन। मैं कभी का लिली को ढूंढ रहा हूँ, लिली इधर से इधर सामने निकली लिली, क्योंकि यहाँ पे कुट्टी खा रही थी। अरे मार से पार दे, वैसे पार दे स्तन, ये आई। अरे
अंकित आ गए, आर्यन। तो डिंगी भी इधर है, कालू भी इधर है, और आज आज तो पूरे के पूरे इधर ही इकट्ठा हो गए ले। उसकी जो जीभ होती है ना वो आर्यन को लग रही है। आर्यन ने मुंह छुपा रहा है क्योंकि वो चाट रही है, तो उसकी जीभ है ना उसके छोटे छोटे अंदर काटे होते बहुत लगते। डिंगी हेलो, डिंगी डिंगी रवा दे ला। लागा है डिंगी, डिंगी जो प्रॉब्लम था जो फाइनली वो माइक अपना आ चुका है। माइक परसों के दिन ही आ गया था लेकिन मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था, तो आपको माइक भी बताएंगे और देखते हैं अभी माइक आने के बाद वॉइस में कितना डिफरेंट देखने को मिलता है। और वो क्या है कि मेरे को भी गले में प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से आज मैं भी अटक अटक के बात कर रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन माइक का अनबॉक्सिंग करेंगे, अभी फटाक से कर लेते हैं, फिर गाय भी छोड़ना है। और अब इस वीडियो के नीचे जरूर से कमेंट कर दीजिए कि अभी अगला जो व्लॉग है वो गाय चराने वाला बनाऊं या जो वाड़ा पे गाय जाएंगी उसका व्लॉग बना दूं। जो भी आप व्लॉग देखना चाहते हैं फटाफट से कमेंट कर दो। और अभी करते हैं जो माइक की अनबॉक्सिंग, तो चलिए। फाइनली जो है अपना माइक आ चुका है, और आप सब ने बहुत सारे मेरे को कमेंट्स किए थे और डीएम पे के भी डीएम पे डीएम किए थे कि जगदीश भाई आप हमें आपका जो वॉइस प्रॉब्लम है उसे सुधारिए। तो फाइनली मैंने आप सबकी कमेंट और आप सबकी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने जो माइक है वो परचेस कर लिया है, और अभी इसको देखते हैं क्योंकि अभी तक मैंने इसको अनबॉक्सिंग नहीं किया है कि अंदर क्या है क्या नहीं, तो वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि अमेजोन वाले कभी अपने साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। तो पहले अंदर जाके देखते हैं अंदर क्या है क्या नहीं, माइक है या कुछ और आ गया है। तो फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग कर दे, इधर से खींच रही माला, अबे खींच चाहे तो निकला ले जी, इधर से निकल रहा है। तो अंदर से ये निकला है, ओके। इसको कैसे खींचते हैं क्योंकि मैंने कभी कभी इसको अनबॉक्सिंग नहीं किया, तो कैसे समझ में आएगा माला से इधर से है, मेरे समझ में आया आया आया। तो इसके अंदर एक थैली निकली है, थैली के अंदर माइक है, ओके। तो ये वाला माइक है क्योंकि इसकी वायर कम नहीं है, मेरे ज्यादा बड़ी लंबी चाहिए थी। ठीक है, ऐसी तो कोई बात नहीं, आपने ऐसे हट कर दिए तो चलेगा, लेकिन आपने को लंबी वाली चाहिए। तो ये देख सकते हैं ये माइक है, और ये वाली जो पिन है ये आईफोन की है। मैंने जो बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर पे जाके देखा लेकिन मेरे को ये वाली जो ये सॉकेट था ये सॉकेट नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये जो सॉकेट है वो आईफोन का है, तो आईफोन का सॉकेट मुझे नहीं मिल रहा था। तो फिर फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि नहीं अपन ऑनलाइन अभी परचेस करेंगे, तो ऑनलाइन मुझे ये मिल गया। तो अभी लगा के देखते हैं इसका वॉइस कैसा आता है क्या नहीं, क्योंकि ये जो है हमने 700 रुपये में परचेस की है, अभी इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और कैसा नहीं, तो बाद में पता चलेगा। तो अगले व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि इसका जो वॉइस है वो कैसा आ रहा है, क्योंकि आज तो मेरा गला खराब है तो बहुत अटक रहा हूँ मैं भी। तो अगले व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा इसका वॉइस कैसा आ रहा है। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, अब आ रहा है।